सो हे गाइस, हाउ यू, होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अब इंडस्ट्री पे राज करेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ने वाला है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप इतना ज़्यादा क्यों बढ़ने वाला है, क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा कमाल धमाल होने वाला है, इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और पहली बार चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो हर साल लगभग हज़ारों इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पास आउट होते हैं। कुछ पॉलिटेक्निक वाले होते हैं, कुछ बीटेक वाले होते हैं। सो उसमें डिसाइड करना कि कितने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किस सेक्टर में जाएंगे, कौन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कौन सी कंपनी में जाएंगे, ये भी काफ़ी टफ होता है। ऐसे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ग्राफ जो है काफ़ी स्टेबल था पहले, ऐसे ऐसे चल रहा था, लेकिन जॉब कम नहीं थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल में एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि इलेक्ट्रिकल में पहले गवर्नमेंट जॉब सबसे ज़्यादा थे, प्राइवेट इंडस्ट्री उतनी अच्छी नहीं थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, खास करके इंडिया में। सो अपग्रेड हुई है इंडस्ट्री, चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे गई हैं, अच्छे नहीं बहुत अच्छे लेवल पे गई हैं, और इतने अच्छे लेवल पे गई हैं कि आप ये समझ लो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बल्ले बल्ले हो गए हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्री हैं अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को हायर कर रही हैं। सो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो आई हैं, जो ये कह रही हैं हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को लेंगे। ऑटोमोबाइल की कंपनियां दिल खोल के अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को ले रही हैं। पहले ये सुगबुगाहट थोड़ी होती थी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को लेने में ऑटोमोबाइल सेक्टर में, लेकिन अब वो सुगबुगाहट दूर हो गई है। अगर आप ईवी जैसे कोर्स किए हो, चीज़ें जानते हो, तो वो सारी चीज़ें बेटर वे में। दूसरा है, कई सारी कंपनियां हैं लॉन्ग टर्म टेंडर पे काम करती हैं, लॉन्ग टर्म टेंडर होता है उनके पास। जैसे कोई स्टेशन चल रहा, कोई चीज़ बन रही है, कोई प्लांट बन रहा है, तो 5 साल 6 साल 7 साल का प्रोजेक्ट हो गया, वहाँ एक बार जॉब पे लग गए तो 5-6 साल आपकी जॉब वहाँ सिक्योर है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट में वहाँ आप जॉब कर रहे हो, इजिली आपके लिए चीज़ें अवेलेबल हैं, इजिली चीज़ें आप वहाँ गेन कर रहे हो, आप इजिली चीज़ें उसका एक्सेस कर रहे हो, सो वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सो वहाँ भी अब बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हिसाब से डेवलप हो रहा, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। ऐसे में कॉपर वायर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग, एसी मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। हम इलेक्ट्रिकल की कंपनियों तक ही नहीं पहुँच पा रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिकल की मेन कंपनियों के पीछे हम पहुँच ही नहीं। चाहे हम हैवेल इलेक्ट्रिकल्स की बात कर लें, सिस्का एलईडीज की बात कर लें, या और भी कई सारी कंपनियां हैं जो कॉपर वायर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, हमें उन कंपनियों को ढूंढना पड़ेगा। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी कि भाई उन कंपनियों को ढूंढ के वहाँ पे अपना रिज्यूमे भेजिए, अपना बायोडाटा भेजिए, थोड़ा बात करिए, थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा एफर्ट डालिए, तभी जा करके आपको जॉब मिलेगा। पहले भारत में ऐसा होता था, एक जॉब के लिए 40 लोग लाइन में लगे रहते थे, अब एक जॉब के लिए 80 लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो आप सोचिए चीज़ें कितनी टफ है, रफ एंड टफ है, तो उसको आपको हैंडल करने आना चाहिए, उसको आपको समझने आना चाहिए। अगर आप समझते हो, अगर आप जानते हो, तभी जा करके चीज़ें आपको उस लेवल पर लेकर के जाया जाएगा, अदरवाइज चीज़ें उस लेवल पे लेकर के आप नहीं जा पाओगे। और दूसरा ये है कि थोड़ी दिक्कत होगी, अगर टायर थर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हो तो हो सकता है कि कोई कोर्स करना पड़े, हो सकता है कि कोई कोर्स का सपोर्ट आपको चाहिए। बिना किसी कोर्स के सपोर्ट के, बिना किसी चीज़ के शायद करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा, शायद चीज़ें उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे, शायद चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेंगे। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को समझोगे, अगर आप इन सारी चीज़ों को जानोगे, तभी जा करके आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज गाइज आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप कई सारी मुश्किलों का सामना करोगे, बहुत सारी मुश्किलें और बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, लेकिन उसका सामना करना आपका काम है, मेरा नहीं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अ लॉट ऑफ जॉब जनरेट कर रहा है, प्राइवेट इंडस्ट्री और गवर्नमेंट इंडस्ट्री दोनों में। आपको अपने आप को अपग्रेड करना, अपनी सीवी को अपग्रेड करना है, अपने स्किल को अपग्रेड करना और अप्लाई करना है। कई सारी जापानीज कंपनियां, कई सारी ऑस्ट्रेलियन कंपनियां भारत में हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देती हैं। वीडियो में इतना ही होगा, इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी जाकर ज्वाइन करें। जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया, एक बार जाकर के ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।